मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले। हैरान कर देने वाला तथ्य सामने आया है कि मोबाइल फोन बीमारियों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का सबसे आसान साधन बन चुका है। ये सच कैसे सामने आया ये भी जान लीजिए। इस सच का खुलासा करने वाली रिपोर्ट देश के 5 बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों ने तैयार की है। इस स्टडी में ये पाया गया कि मोबाइल फोन आपके आसपास मौजूद सबसे गंदी चीजों में से एक है। इस स्टडी में सभी संस्थानों के अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ को शामिल किया गया। 386 लोगों ने इस रिसर्च में हिस्सा लिया। इनमें से 132 लोग अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी थे, 54 लोग मेडिकल कॉलेज के स्टाफ थे, 100 मेडिकल स्टूडेंट्स और 100 दूसरे लोग थे। इनमें से 82% लोगों के मोबाइल फोन पर कीटाणु पाए गए। इन लोगों के मोबाइल फोन पर कोई आम कीटाणु नहीं बल्कि बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए। इनमें ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया मिला जो आंतों के इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा क्लेब्सिला निमोनिया का कीटाणु भी पाया गया। ये वो कीटाणु है जिस पर कोई भी एंटीबायोटिक दवा काम नहीं कर पा रही है। कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जो निमोनिया करते हैं, उसको हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी और स्टेफाइलोकॉकस ऑरियस, जो हमारे स्किन के ऊपर बैक्टीरिया रहती है, वो कभी कभी अगर अंदर चला जाए और कोई किसी की इम्यूनिटी कम हो तो वो भी काफ़ी इन्फेक्शन उसे हो सकती है। फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं जिससे भी निमोनिया, लंग एब्सेस वगैरह होती, यूरिनरी इन्फेक्शंस होते हैं। फिर एंटरिक बैक्टीरिया होती हैं जैसे सैल्मोनेला ग्रुप, उससे टाइफॉइड और नॉन टाइफॉइडल सैल्मोनेला उसको कहते हैं, उससे डायरिया वगैरह होती। इसी तरह ग्रेटर नोएडा के एक निजी डेंटल कॉलेज के डॉक्टरों ने अपने अस्पताल के डॉक्टरों के 55 मोबाइल फोन हैंडसेट पर रिसर्च की और जो नतीजे सामने आए उसने मोबाइल फोन की डर्टी पिक्चर के नए खुलासे किए। इस रिसर्च में पता चला कि बड़ी स्क्रीन वाले मोबाइल फोन पर ज्यादा जगह होती है, इसीलिए वहाँ बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं। अगर आपके मोबाइल फोन पर कवर लगा है तो इस बात की आशंका ज्यादा है कि उस पर कीटाणु यानी बैक्टीरिया ज्यादा होंगे। रिसर्च में ये भी सामने आया कि अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों के मोबाइल फोन भी बैक्टीरिया की चपेट में है। जाहिर है कि कीटाणुओं के मोबाइल फोन पर सफर करने और लोगों में पहुंचने और फैलने का खतरा अस्पताल तक ही सीमित नहीं है। अस्पतालों से निकलकर अपने घर पहुंचने वाले डॉक्टर, बीमार मरीजों से मिलकर आने वाले लोगों के जरिए ये कीटाणु हम सभी तक पहुंच रहे हैं। सारे दिन हॉस्पिटल्स में रहते हैं, पेशेंट्स के आसपास रहते हैं और ये फोन को हम कम से कम दिन में कम से कम 50 से 100 बार छूते हैं। एंड द अमाउंट ऑफ इन्फेक्शन वी कैरी ऑन दीज फोन्स एंड देन वी गो होम एंड यू नो विद आवर लव्ड वंस, अपने बच्चों के साथ होते हैं, अपनी स्पाउसेस के साथ होते हैं, सो द अमाउंट ऑफ इन्फेक्शन विच कैन ट्रांसफर फ्रॉम होम टू द हॉस्पिटल सेटिंग और अ हॉस्पिटल सेटिंग टू अ होम इज अलार्मिंग बाय अ सिंपल डिवाइस विच इज अ मोबाइल फोन विच डज नॉट, मतलब हमारे दिमाग में भी नहीं आता है कि ये एक छोटी सी चीज इतनी इन्फेक्शन कैरी करती है। मोबाइल फोन के एक स्क्वायर इंच जगह पर 25,000 कीटाणुओं का बसेरा होता है, यानी जितना बड़ा मोबाइल फोन उतने ज्यादा कीटाणु। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक टॉयलेट सीट भी मोबाइल फोन से ज्यादा साफ होती है, क्योंकि टॉयलेट सीट की वक्त वक्त पर सफाई की जाती है, लेकिन मोबाइल फोन की सफाई करने वाले बहुत कम लोग हैं। क्या आपने आज साबुन से हाथ धोए? आपकी पर्सनल हाइजीन के लिए ये सवाल आपसे कई बार पूछा गया होगा, लेकिन क्या आपने अपने मोबाइल फोन को साफ किया? ये शायद ही कभी आपने भी सोचा होगा और किसी ने आपको बताया होगा, लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कि आपका मोबाइल फोन बहुत सारी बीमारियों का कैरियर है। मोबाइल फोन 2400 घंटे रहता है हमारे साथ, तो जैसे हमारे हाथ पे जर्म्स होते होंगे ऐसे ही शायद मोबाइल पे होते होंगे, ऐसा कभी कोई ख्याल आया? कभी नहीं, हम तो सोते भी मोबाइल फोन साइड में रखे हैं, कभी ये चीज रियलाइज नहीं करेगी इसमें कुछ होता होगा, कभी नहीं रियलाइज किया। ओके अच्छा, जैसे उन्होंने कहा कि हम सोते भी मोबाइल फोन को साथ में लेके हैं, बहुत सारे लोग तो टॉयलेट्स में भी मोबाइल फोन लेके जाते हैं, आप लेके जाती हैं क्या? बिल्कुल, किसी का भी मैसेज आ सकता है तो मोबाइल फोन हमेशा पॉकेट में ही होता है, तो हर जगह साथ में ही जाता है, तो इनफैक्ट मतलब जब मैं हैंड वॉश भी करती हूँ तो साइड में बाथरूम में यू यूजुअली कीप इट, क्योंकि या यू माइट गेट अ कॉल। इस रिसर्च के बाद इस बात पर विचार किया जा रहा है कि क्या मोबाइल फोन के अस्पतालों के ICU और ऑपरेशन थिएटर जैसी जगहों में ले जाने पर पाबंदी लगा दी जानी चाहिए, क्योंकि ICMR ने अस्पताल में सेफ हॉस्पिटल प्रैक्टिस संबंधी जो गाइडलाइंस जारी की है मोबाइल फोन के इस्तेमाल का उनमें कोई जिक्र नहीं है। ICMR का मानना है कि कीटाणुओं को पनपने से रोकना इस बात पर निर्भर करता है कि अस्पताल इन्फेक्शन कंट्रोल करने की गाइडलाइंस का पालन कितनी गंभीरता से कर रहे हैं। अभी तो काफी गैप है,
एक्चुअली असली में देखा जाए तो अभी काफ़ी गैप है जो होना चाहिए और जो हो रहा है। फर्स्ट थिंग जो मैं कह रही थी, जो सिंपल प्रोसीजर्स जो हैं कि हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर, ये इट्स अ वेरी ओल्ड, वेरी सिंपल बट वेल एक्सेप्टेड मेथड। इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, स्पेशली इन पेशेंट जैसे वार्ड्स में और जो ICU वगैरह में पेशेंट हैं। सेकेंडली, जो ग्लव्स वगैरह पहनते हैं उसको उतार के डाल देना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि ग्लव्स के साथ ही हम लोग डॉक्टर्स अंदर बाहर जा रहे हैं, क्योंकि जल्दी में जब काम कर रहे होते हैं तो दरवाजे को भी उसी से हाथ लगा रहे हैं, कहीं दूसरे कमरे में जाते हैं, फिर वापस आते हैं और पेशेंट को देखना फिर शुरू कर देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस खतरे से बचने के लिए कुछ किया नहीं जा सकता। थोड़ी साफ सफाई फोन के साथ बरत ली जाए तो आप खतरनाक कीटाणुओं के हमले से खुद को बचा सकते हैं। मोबाइल फोन पे जो बैक्टीरिया ग्रो करता है सुनने में बड़ा खतरनाक लगता है, लेकिन उससे बचने का तरीका क्या है? बिल्कुल, तरीके बहुत हैं और बड़े सिंपल तरीके हैं, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड तरीका नहीं है, हर कोई ये तरीका कर सकता है। इसको साफ करने के लिए आप सिंपल एक अल्कोहल का स्वैब आता है मार्केट में, जो बहुत सिंपल, बहुत ही सस्ता होता है, 1 या 2 रुपए का होता है, कोई ज्यादा उसमें खर्चा नहीं होता। उससे आप इसको आराम से वाइप कर लें। वो कवर को साफ करना बल्कि ज्यादा जरूरी है फोन को साफ करने से, बिकॉज कवर के अंदर ज्यादा कीटाणु होते हैं फोन से। सबसे पहले तो आप अपना कवर निकालें फोन में से, फिर अपने फोन को हर एक हिस्से से, आगे पीछे से, अच्छी तरह से, ये जैसे हमारे पास सिंपल स्वैब है अल्कोहल में डूबा हुआ, इससे हम इसको क्लीन करेंगे। आप आराम से एक सिंपल स्ट्रोक्स ऊपर से नीचे तक यूज कर लें या साइड से कर लें, दैट इज अप टू यू, और उसको आगे पीछे। कितने परसेंट चांस है कि इसके बाद जो बैक्टीरिया अगर होगा भी तो वो खत्म हो जाएगा? ऑलमोस्ट निग्लेजिबल। देखिए, पूरा तरह तो नहीं जाएगा बैक्टीरिया, बट ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 98-99% ऑफ बैक्टीरिया इज किल्ड विद अ सिंपल अल्कोहल स्वैब। कितने इंटरवल में आपको मोबाइल फोन ऐसे क्लीन करना चाहिए, या फिर यह है कि अगर आप हॉस्पिटल टाइप किसी जगह पर गए हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए? वेल, आइडियली आपको रोज करना चाहिए, एक बार एटलीस्ट, बट अगर आप हफ्ते में 2 या 3 बार भी कर लें तो दैट इज मोर देन इनफ फॉर अ नॉर्मल पर्सन जो एक हॉस्पिटल एनवायरमेंट में नहीं जाते हैं। अमेरिका से लेकर लंदन तक मोबाइल फोन पर मौजूद बैक्टीरिया रिसर्च और चिंता दोनों का विषय बन चुके हैं। खासतौर पर अस्पतालों में डॉक्टरों और कर्मचारियों के मोबाइल फोन जो खतरनाक बीमारियों और कीटाणुओं के बीच ही वक्त बिताते हैं। तो जैसा आप खाना खाने के बाद हाथ धोना नहीं भूलते, उसी तरह अस्पताल, लैब या किसी बीमार के संपर्क में आने के बाद अपने स्मार्टफोन को साफ करके उसे सच में स्मार्ट बनाना मत भूलिएगा। पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली।